लखनऊ से बड़ी खबर, मामले में पूर्व राज्यपाल का बेटा पुलिस हिरासत में। कल बीजेपी ऑफिस के बाहर महिला ने किया था आत्मदाह का प्रयास। हजरतगंज पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हजरतगंज पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया था पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद का बेटा हिरासत में। हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। हजरतगंज पुलिस ने आलोक नाम व्यक्ति को हिरासत में लिया। रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। कोविड 19 में महीनों की खामोशी के बाद अब नवंबर चुनावी महीना होने जा रहा है। इस महीने में सबसे चर्चित और दिलचस्प मुकाबला तो बिहार में विधानसभा चुनाव का होगा, वहीं इसके बाद साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। इसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की खाली सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की है। अब इसी कड़ी में आयोग ने लगे उत्तर प्रदेश में 10 और उत्तराखंड में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी। इनके लिए राज्य विधानसभाओं में 9 नवंबर को मतदान होना है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड व राज्य सरकार के बीच में फंसे सीबीएसई बोर्ड में संचालित स्कूलों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व सीबीएसई बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी की खंडपीठ में हुई है। जो रिट पिटीशन है बेसिकली उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स ने फाइल करी थी। इस रिट पिटीशन में हमने गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून 2020 को भी चैलेंज किया है, उस एक्सटेंट तक कि हम किसी स्टूडेंट का नाम स्कूल के रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। सीबीएसई ने 1 सितंबर 2020 को कुछ डायरेक्शन इशू करी है, जिसमें सीबीएसई रिकोगनाइज स्कूल से ₹10,000 एज स्पोर्ट्स फी, ₹10,000 एज टीचर ट्रेनिंग फी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 का डिमांड किया है। अब इस समय जो सीबीएसई ने, क्योंकि स्कूल्स केवल ट्यूशन फी ही चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट से, सीबीएसई ने जो डिमांड रेज करा है ये सीधा सीधा जो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून है उससे कॉन्ट्रडिक्शन में है। स्कूल्स किसी बच्चे का नाम फीस ना देने के कारण अपने रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, और एट द सेम टाइम सीबीएसई ने जो इतनी फीस की डिमांड रेज करी है, इस कारण से हमने सीबीएसई के ऑर्डर्स को एज वेल एज जो डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का, उसको दोनों को चैलेंज किया है। आज कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्निजेंस लेते हुए सीबीएसई को 2 हफ्ते में इस मैटर में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया। कोरोना समय में बंद पड़े विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जबरन अभिभावकों ने से फीस जमा कराने व अभिभावकों को प्रताड़ित किए जाने के मामले सामने आने लगे हैं। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील सभागार में जिलाधिकारी द्वारा प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन समिति व अभिभावकों की बैठक ली गई है। बैठक में पहुंचे अभिभावकों द्वारा प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रबंधकों पर जबरन फीस जमा कराए जाने और धमकाने की बात कही गई, जिस पर जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लुहामी ने इस तरह के पब्लिक स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करी। वहीं कुछ पब्लिक स्कूलों द्वारा बताया गया कि उन्होंने कोरोना काल में बच्चों की फीस माफ कर दी है। किया जा रहा है, इसके संदर्भ में माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक ली, उसमें जो फीस का निर्धारण था, तो खाली फीस लेनी है, जो अन्य शुल्कों को जोड़ के जो ले रहे हैं ये फीस ये नहीं लिया जाएगा। और दूसरा जो प्राइवेट स्कूल हैं तो उन्हें कॉपी किताब से बेचने का धंधा जो कर रखा है, उनके द्वारा कोई कॉपी किताबें यहाँ पर नहीं बेची जाएंगी।
माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है भविष्य में इस टाइप की शिकायतें आएंगी तो मैं अपनी ये प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दूंगा। रानीखेत के चौबटिया में पुलिस क्षेत्राधिकारी अक्षय कुमार वाल्मीकि समाज के कार्यों को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें उन्होंने सफाई कार्यों में लगे कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उन्हें मैनुअल स्क्रैचिंग एक्ट 2013 के प्रावधानों के बारे में भी बताया। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस दौरान छावनी परिषद के स्वच्छता निरीक्षक अजय प्रताप सिंह ने भी अपने विचार रखे। ये जो मीटिंग है बेसिकली हमने रखी है कि जो मैनुअल स्क्रैचिंग एक्ट 2013 जो है उसके प्रावधानों के बारे में हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बंधु हैं इनको उसके बारे में उसके प्रावधान बताना और इसमें अगर यहाँ कोई मैला ढोने की प्रथा अगर कोई इसमें काम कर रहा है तो उसको इससे हटाना। ये इसमें ये भी है कि इसमें हम तीन स्टैंड स्ट्रेटेजी में हम काम कर रहे हैं। पहला जन जागरूकता करना कि जो हमारा ये सफाई कर्मचारी ये वाला जो समाज है इनसे एक आवाज निकले कि हमें ये मैला ढोने वाली प्रथा को खत्म करना है। डोईवाला के तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन में जिम्मेदारी देकर जहां उनका सम्मान किया जा रहा है तो वहीं सरकार और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी की विशेष आमंत्रित सदस्य बनी श्रीमती सरिता जोशी और जिला अध्यक्ष सुरुचि का महिला कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया और सरकार और संगठन का आभार जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। रहने वाली क्योंकि देश के विकास का सर्वांगीण विकास को सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में और जो जनता के बीच में है उनको कभी चुनाव की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता सब कुछ देख रही है और रहा आपने जो प्रश्न ये कहा है कि जिन लोगों को संगठन के प्रति निष्ठा जिनकी है और जिनका अपना एक सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा है उन लोगों को दायित्व तो या कोई मदन ईश्वर नीति बनाए जाने संबंधित हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर आज सरकार की तरफ से कोर्ट को जवाब पेश किया गया जिस पर आज याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। कोर्ट को आपत्ति को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार में शपथ पत्र दाखिल कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बताते चले गरुड़ निवासी अधिवक्ता डीके जोशी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 337A के अनुपालन में शराबबंदी करने के लिए निर्देश जारी करने और शराब के कारोबार से राज्य को हो रहे नुकसान का आंकलन कर उचित कदम उठाए जाने की फिर से गुहार लगाई। याचिकाकर्ता का कहना है कि पहाड़ी प्रदेश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली चीज शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस संबंध में याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ आबकारी अधिनियम में शराबबंदी के विशेष प्रावधान धारा 37A बना है तो वहीं सरकारें शराबबंदी लागू करने के बजाय साल प्रति साल शराब का व्यापार को बढ़ावा दे रही। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा पूर्व में 29 अगस्त 2019 को आबकारी नीति पर मद्य निषेध नीति बनाने के जो आदेश दिए गए थे राज्य सरकार को उसका पालन नहीं होने के चलते मेरे द्वारा एक अवमानना याचिका उच्च न्यायालय नैनीताल में दाखिल की गई है जिसमें कि राज्य सरकार के द्वारा जो कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल किया गया है उससे मैंने आपत्ति लगाई याचिकाकर्ता के रूप में। तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने पुनः राज्य सरकार को कहा है कि 29 अगस्त के फैसले के अनुक्रम में आप कंप्लायंस एफिडेविट पुनः दाखिल करें।
नैनीताल में कोविड 19 से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए कोविड टेस्ट करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोविड नियमों के सख्ती से पालन भी करवाए जा रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS धामी ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से सुरक्षित रहकर अधिक संख्या में टेस्ट करवाने की अपील की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि रोजाना जिला अस्पताल में 100 से अधिक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। हम लोग सभी को प्रेरित करते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और टेस्ट कराएँ अपना, और हर क्षेत्र से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने आगाह किया है और ऐसे ही होटल सभी लोगों को निर्गत ये आदेश किए हैं कि आप लोग जितने ज़्यादा संख्या में हो सके पर्यटकों सभी का कोविड टेस्ट कराने की वो करें। तो आज फिलहाल हमारे पास RT-PCR 146 हुए हैं और रैपिड एंटीजन करीब 9 हुए हैं और ट्रूनेट में भी 5 किए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा भी कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, जिस कारण कोरोना से बचाव के लिए अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में SDGF कई जगह जाकर लोगों को जागरूक करेगा। जहां तक प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई, SDRF अवेयरनेस टीम को कमांडेंट तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यालय जॉली ग्रांट से 10 बाइक और 2 गाड़ियों में रक्षक अवेयरनेस टीम को SDRF की कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षण और जन जागरूकता है, उसके लिए मिशन जागृति के अंतर्गत भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस भी करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 70,000 लोगों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस करवा दी है। इसी क्रम में जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो मोहल्लों के क्षेत्र हैं, उसमें गली गली में हमारे बाइक सवार दस्ता जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन, आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सभी का स्वागत है। नैनीताल मल्लीताल स्थित IG कार्यालय में IG अजय रौतेला के नेतृत्व में सभी 6 जनपदों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। IG अजय रौतेला ने सभी जनपदों के कप्तानों से त्योहारों के सीजन के मद्देनजर कुमाऊं भर में पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा कि सामाजिक दूरी से लेकर के अन्य COVID-19 के नियमों को सख्ती से पालन कराने के साथ ही त्योहारों में होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें, ताकि चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके। त्योहारी सीजन जैसा आ रहा है, नवरात्र शुरू होंगे, दशहरा, दिवाली वगैरह, तो इस समय उन लोगों का क्राइम बढ़ता है, भीड़ भाड़ होगी, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लोग पहने, और फुट पेट्रोलिंग के लिए बताया गया है, जो खासतौर से भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासतौर से बाजार वगैरह में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग करेंगे, जो बड़े शहर कस्बे हैं वहाँ पर बताया। दूसरा ये बताया गया कि दिवाली के टाइम में हमारे अपराधी जनजाति हो जाए जो हैं, ये ट्रेन करते हैं, जिनका एक गुटका रहता है, इनका एक कस्टम रहता है, उसके लिए सतर्क।
देहरादून में पकड़े गए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह पर अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही। दरअसल पुलिस का मानना है कि गैम्बलिंग एक्ट में सजा का प्रावधान बहुत कम होता है और ऐसे में आरोपी जल्द ही कोर्ट से बेल पे बाहर आ जाता है और दोबारा से सट्टे जैसी अपराधों की में घिर जाता है, जिन पर लगाम लगाने के लिए अब देहरादून पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। और देहरादून में पकड़े गए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें, बीते दिनों दून पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया और इस गिरोह से करीब 31 लाख रुपए बरामद किए। 3 साथी इस गिरोह के 7 लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। देखिए, ऑलरेडी इसमें गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें मजबूत कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। तो इसके लिए जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करें। टोटल 7 लोग हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई किए जाने का डायरेक्शन ऑलरेडी जो थाना इंचार्ज है वो कम्युनिकेट कर दिए गए हैं। कुमाऊं के क्षेत्रों में लगातार चोरी और आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। वे इन घटनाओं को रोकने के लिए नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है। इस दौरान अजय रौतेला ने शहर में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश देने के साथ ही वांछित और फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ तेज करने के आदेश दिए। लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि दुष्कर्म के मामलों को 60 दिनों के अंदर निस्तारित किया जाए। वहीं जनपद चंपावत में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभियुक्तों से 112 किलो चरस पकड़ने पर पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला द्वारा मनोज बैरी को 1000 रुपए नगद और प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया। अभी तक हम वर्चुअल बैठक कर रहे थे, आज हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। एक तो मेनली हमने बात करी कोविड के संबंध में, क्योंकि जैसा आपको मालूम है अनलॉक हो गया है, त्योहारों का सीजन आने वाला, तो उसमें संबंध में बताया कि इन्फोर्समेंट ज़्यादा करें और साथ साथ अवेयरनेस भी करें। MHA ने एक नई डायरेक्शन पहले भी आई थी, फिर आई है कि रेप के केसेस, पॉस्को के केसेस 60 दिन में समाप्त हो जाने, उस संबंध में इनको बताया उसको करा। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही साथ कई युवा यूथ कांग्रेस भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के साथ ही शपथ दिलवाई। बता दें आपको, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने वाले से पहले युवकों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवा बेरोजगार हो चुके हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया मामले में यूथ कांग्रेस और NSUI की ओर से सचिवालय पूछ भी किया जाएगा। इस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने नौजवान साथियों को छलने का काम किया है, हमारे साथियों में आक्रोश है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नौजवान साथी जो है कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम कर रहे हैं। और इसी लिए जो है कल हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने और NSUI के हमारे साथियों ने जो है सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में जो अनियमितताएँ हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके विरोध में जो है यहाँ से कूच करेंगे। तो हम नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। कुंवरपुर ससैया के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 4 माह पूर्व हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से टैंक, पंखे आदि बरामद किए गए हैं। कोतवाली पुलिस के अनुसार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवरपुर के प्रधानाचार्य दिग्विजय सिंह यादव ने 8 जून को प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसमें
चोरों द्वारा मोबाइल, पानी का टैंक व पंखे चोरी कर लिए जाने की बात कही गई। तब से पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। हाँ, ये सिसैया के स्कूल के प्रधानाचार्य हैं दिग्विजय सिंह यादव, उन्होंने दिनांक 7/10 को आके एक तहरीर दी थी कि स्कूल से पानी के 500 लीटर के टैंक और फैन जो हैं पंखे वो चोरी कर लिए गए हैं। एक स्ट्रीट लाइट चोरी कर ली गई, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चोरी के खिलासे के लिए टीम का गठन किया गया था। ऐसे संजीत कुमार ऐसा ही परिवार को उन्हें लगाया गया था। नैनीताल स्थित मल्लीताल आदत के सम्मुख सड़क में अवैध रूप से बेची जा रही सब्जियों और आढ़तियों के सामने सड़क में अवैध रूप का फंड लगवा करके आढ़तियों द्वारा फुटकर व्यवसायियों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मल्लीताल सब्जी मंडी पहुंचकर आढ़तियों के साथ वार्ता करते हुए उन्हें निर्देशित किया। जिन आढ़तियों के नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो 3 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और सड़क पर सब्जियां नहीं बेचे। वहीं तहसीलदार भगवान सिंह चौहान ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सभी आढ़तियों को नोटिस जारी किए जाने के 3 दिन के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सड़क पर सब्जियां बेची जाती हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं सब्जी मंडी में उसकी भीड़ की अधिकता को देखते हुए, और शिकायत आ रही थी कि जो आढ़ती लोग हैं वो सड़क पे अपनी सब्जी बेच रहे हैं और यहाँ पे जितने आढ़ती रजिस्टर्ड हैं और फुटकर वाले भी रजिस्टर्ड हैं, इससे ज़्यादा लोग बाग यहाँ पर जो है कहना चाहिए अपना दुकान लगा कर सब्जी बेच रहे हैं। और ये भी शिकायत सुनने में मिली है कि 2.5 किलो से कम सामान नहीं दिया जा रहा है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।
कचहरी के ना लगे चक्कर। सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करे? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। खबरों से पहले डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। योगी सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है त्योहारी तोहफा, एडवांस में कैश पेमेंट का विचार। गाजियाबाद की नाबालिग गुड़िया से गैंगरेप, तमंचे के नोक पर गैंगरेप, दो युवकों ने गुड़िया के साथ किया था गैंगरेप। हाथरस में एक और रेप, 4 साल की मासूम बच्ची से रिश्ते।